Good noon, everyone. Class 4th. Today is Monday and it's your computer turn. Open your computer book at chapter number 5. More about keyboard. यानी कीबोर्ड के बारे में कुछ ज़्यादा जानेंगे हम, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Children, you have already learned that a keyboard is an input device. यानी बच्चों, आप पहले भी जान चुके हैं, सीख चुके हैं क्या कंप्यूटर जो कीबोर्ड है वो क्या है, एक इनपुट डिवाइस है. ठीक है, हमने इससे प्रीवियस चैप्टर जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि हमारा जो कीबोर्ड है वो एक इनपुट डिवाइस है. ठीक है, द स्मॉल बटन्स ऑन अ कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज. जो कीबोर्ड पर बटन्स दिए हुए हैं, देखिए यहाँ कीबोर्ड की पिक्चर भी दी हुई है आपको, है ना? तो इस पे जितने भी ये बटन्स हैं इन सबको क्या कहा जाता है, कीज कहा जाता है. वी टाइप ऑन अ कंप्यूटर बाई प्रेसिंग द कीज ऑन द कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर. ठीक है, आप कंप्यूटर पर कुछ भी टाइपिंग के लिए टाइप करेंगे हम, तो वो किससे करेंगे, जब हम कीज को प्रेस करेंगे. जो कीबोर्ड पे जो कीज़ होती है उन्हें प्रेस करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर पर. वो हमें कहाँ पर दिखाई देगा, मॉनिटर पर. वॉट एवर वी टाइप ऑन द कीबोर्ड अपीयर्स ऑन द मॉनिटर. यानी कह रहा है कि जो भी कुछ हम टाइप करेंगे कीबोर्ड से वो सब हमें कहाँ दिखाई देगा, मॉनिटर की स्क्रीन पर. अ कीबोर्ड जनरली हैज़ 104 कीज़. आमतौर पर अगर आप देखें तो कंप्यूटर जो कीबोर्ड है उसमें कितने कीज़ होती हैं, 104. सम कीबोर्ड्स मे हैव मोर एंड सम मे हैव इवन लेस देन 104 कीज़. यानी कितनी होंगी, या तो कुछ अगर आप कीबोर्ड में देखें तो या तो 104 से कम होंगी कीज़ या फिर 104 से ज़्यादा भी हो सकती हैं. दीज कीज़ आर ऑफ वेरियस टाइप्स. और ये कई तरह की कीज़ होती हैं. लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम. तो उनमें से चलिए किसी के बारे में, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले दिया है कैप्स लॉक की. कैप्स लॉक की होती है कंप्यूटर कीबोर्ड पर, उसके बारे में जानते हैं. दिस की इज़ यूज टू टाइप टेक्स्ट इन कैपिटल. ठीक है, ये की किस लिए यूज़ होती है कि आप जो टेक्स्ट जो भी टाइप करते हैं कीबोर्ड से, ठीक है, तो वो अगर आपको कैपिटल लेटर्स में शो करना है तो आप कौन सी की यूज़ करेंगे, कैप्स लॉक की. किस तरह से यूज़ करेंगे वो भी आपको दिया हुआ है. देखिए, फर्स्ट स्टेप है उसके लिए, स्टार्ट टाइपिंग यूजिंग स्पेस बार की इन बिटवीन द वर्ड्स. ठीक है, यानी आपको टाइपिंग तो आप कर लेंगे कीबोर्ड से जब आप स्टार्ट करें, तो वर्ड्स जो होते हैं वो हमें अलग अलग वर्ड्स लिखने हैं, तो उसमें गैप देने के लिए, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ दिया हुआ है इस तरह से ये लिखा हुआ है, तो पहले आई के बाद फिर उन्होंने देखो गैप आया, तो वो गैप किससे आया, जब आपने स्पेस बार की प्रेस की. ठीक है, फिर उसके बाद आपने फिर टाइप किया एल ओ वी ई लव आई लव, तो ये आपने टाइप किया है कीबोर्ड से. द लेटर्स विल अपियर इन स्मॉल लेटर्स. तो आप देखो सारे किस में दिए हुए, स्मॉल लेटर्स में टाइप होते रहेंगे. जो मॉनिटर पर दिखाई देगा वो स्मॉल लेटर होगा. नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या कर रहा है, प्रेस द कैप्स लॉक वंस. यानी आप एक बार आप कैप्स लॉक की ओनली वन टाइम आप प्रेस करेंगे अच्छे से. द कैप्स लॉक लाइट विल टर्न ऑन. तो आप क्या देखेंगी, जो कैप्स लॉक लाइट है वो चालू हो जाएगी, चल जाएगी, टर्न हो जाएगी, टर्न ऑन हो जाएगी. ठीक है, स्टार्ट टाइपिंग एंड सी द चेंज. अब दोबारा से आप टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, है ना, जब आपने कैप्स लॉक की ऑन कर दी है, तो उसके बाद आप फिर से लिखना शुरू करेंगे, तो आप क्या देखेंगे, चेंज द लेटर्स विल नाउ अपीयर्स इन कैपिटल्स. तो आप देखेंगे जो लेटर है वो किस में चेंज हो गए, आप किस में आ गए, कैपिटल लेटर्स में आ गए. देखिए वॉचिंग जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो किस में आ गया, कैपिटल लेटर में आ गया. ठीक है, ये किससे हुआ, कैप्स लॉक की टर्न ऑन करने से. नाउ प्रेस कैप्स लॉक वंस अगेन. यानी एक बार फिर से आप कैप्स लॉक की को प्रेस कर दीजिए. द कैप्स लॉक लाइट विल टर्न ऑफ. अब ऑफ हो जाएगी लाइट. ठीक है, कंटिन्यू टू टाइप. अब फिर से लिखना शुरू करेंगे, आप स्टार्ट कर देंगे, कंटिन्यू रखेंगे. द लेटर्स विल नाउ अपीयर इन स्मॉल लेटर्स. तो लेटर्स भी इसमें किस में हो जाएंगे, स्मॉल लेटर्स में आना स्टार्ट हो जाएंगे. देखिए वॉचिंग के बाद, वॉचिंग पे तो हमने किससे किया था, कैप्स लॉक की टर्न ऑन की थी, तो इसलिए ये कैपिटल में आ रहा था. जब हमने टर्न ऑफ कर दी है तो क्या आ गया है, मूवीज जो लिखा हुआ आया है, ठीक है, ये फिर से स्मॉल लेटर्स में स्टार्ट हो गया. तो कैप्स लॉक की किस लिए यूज़ होती है, ताकि हम अपने टेक्स्ट को जो भी हम टाइप करना चाहते हैं, टेक्स्ट जो है हमारा वो हम किस में अपीयर करना चाहते हैं, किस में दिखाना चाहते हैं, कैपिटल लेटर्स में, तो उसके लिए हम कैप्स लॉक की का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट की हमने ये पढ़ी है, इसके बाद देखिए शिफ्ट की. शिफ्ट की का हम अब करेंगे इस कंटिन्यू अपने नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, आज बस आपको क्या करना है कि कीबोर्ड के बारे में अच्छे से पता करना है, अच्छे से इस चैप्टर की रीडिंग करनी है कि कीबोर्ड क्या है. ठीक है, इस पे जो बटन्स होते हैं उन्हें कीज़ कहा जाता है. ठीक है, और उन्हें प्रेस करेंगे तभी हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर यानी मॉनिटर की स्क्रीन पर हमें जो भी हम टेक्स्ट प्रेस करना चाहते हैं वो हमें दिखाई देगा. कीबोर्ड में कितने कीज़ होती है, 104. ठीक है, कुछ कीबोर्ड ऐसे भी होते हैं जिनमें 104 से कम कीज़ हो सकती हैं या किसी में ज़्यादा हो सकती हैं. ठीक है, और इन कीज़ में से सबसे पहले हमने आज किसके बारे में पढ़ा है, कैप्स लॉक की के बारे में, कि वो किस तरह से यूज़ की जाती है.
आप भी अच्छे से यहाँ तक पढ़ें, इसे अच्छे से लर्न करें कैप्स लॉक की के बारे में। ओके, क्लास टाइम में इसे कंप्लीट करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।